अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि 100 CFT मैसनरी में से सीमेंट और रेत की क्वांटिटी किस तरह मालूम करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 100 CFT में से ब्रिक्स की क्वांटिटी मालूम की थी, यानी कि ईंटों की तादाद मालूम की थी कि कितनी ईंटें लगती हैं। आज हम 100 CFT में से सीमेंट और रेत का मॉर्टर जो है मसाले में से मसाला मालूम करेंगे और इसमें से कितनी सीमेंट कितना होता है और रेत कितनी होती है। ठीक है जी, हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड 100 CFT मैसनरी। सीमेंट मॉर्टर रेशो इसमें 1:5 है। ठीक है जी, सबसे पहले क्वांटिटी हमारे पास है 100 CFT और उसके बाद रेशो ऑफ सीमेंट मॉर्टर है 1:5। ठीक है, सम ऑफ रेशो ये प्लस कर ली हमने और ये 6 होगी। टोटल क्वांटिटी ड्राई मोटर 30 CFT। ये हमें पहले बताया जाता है कि जो 100 CFT होती है, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि 100 CFT में 30 फुट मसाला होता है और 70 फुट ईंटें होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 30 CFT मोटर। ठीक है, चुनाई में 30 CFT सीमेंट मोटर होता है और बाकी जो बचता है 100 में से वो ईंटें होती हैं। फार्मूला इसका क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू रेशो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ मोटर। ठीक है जी, सीमेंट का निकालने के लिए या मैं लिख दूं सीमेंट निकालने के लिए 1/6, 6 हमारा क्या है सम ऑफ रेशो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3, ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोटर। ठीक है जी, 30 आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 CFT सीमेंट हमारा निकला। ठीक है जी, ये 5 निकला है। ठीक है, और इसको मैंने बैग में कन्वर्ट करने के लिए बताया, बैग जो है एक हमारा 50 kg का बैग होता है, वो अगर उसको CFT में पैमाइश में लेके जाए तो वो 1.25 CFT का एक बैग होता है। जब मैंने इसको इसमें डिवाइड किया इसके ऊपर तो 4 बैग हमारे सीमेंट के निकल आए। ठीक है, इसी तरह मैंने सैंड की क्वांटिटी मालूम करने के लिए क्वांटिटी ऑफ सैंड रेशो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ मोटर। इसी तरह ये 5 जो है रेशो ऑफ सैंड 5 है, यानी कि 1:5 है, इसमें 5 रेत है और सम ऑफ रेशो टोटल जो है 1:5, 6 ये बन गया, नीचे आ गया मल्टीप्लाई 3 क्या है हमारा 30 क्या है सॉरी क्वांटिटी ऑफ मोटर इज इक्वल टू ये आया 25 CFT। ठीक है जी, इस तरह हमारे 100 CFT मैसनरी में 4 बैग सीमेंट के लगे और 25 CFT रेत लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर कोई भी इसके मुताबिक क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।